हम कल्पना करते हैं, कुछ भी कल्पना करते हैं। हास्य व्यंग के कवि शिव तूफान, मैंने भी एक कल्पना की कि मैं किसी टीवी न्यूज चैनल पे अगर समाचार वाचक बना दिया जाऊं, तो एक हास्य व्यंग का कवि अगर दूरदर्शन पे या न्यूज चैनल पे देश के समाचार हास्य व्यंग और कविता के लहजे में कैसे पहुंचाएगा। एक व्यंग की रचना, आप मुझसे जुड़िएगा और देखिएगा राष्ट्रीय समाचार। बीते वक्त से इस पल तक राजनीतिक दाव पेच और छल तक प्रस्तुत है समाचारों का नया चैनल कल तक। नमस्कार, आज के समाचारों में जिन्हें आप पढ़ चुके हैं कल के अखबारों में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ेंगे और बाहर काम नहीं आएगा तो घर में ही फोड़ेंगे। रेल मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि अब रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि अब किसानों की समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाएगा और बैंकों से लोन लेने के बाद उन्हें भी विदेश भागने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप अगले सप्ताह भारत आएंगे। उनके स्वागत में कई लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े किए जाएंगे। इस हेतु आप सबसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वे ही व्यक्ति इस काम पे लगाए जा रहे हैं जो गरीब नजर नहीं आते हों और अच्छी तरह मुस्कुराते हों। बंबई के फिल्म निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि हमें विधानसभाओं में बहस के दौरान शूटिंग करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मार धाड़ के दृश्यों को फिल्माने का हमारा खर्चा बच जाए। और अब खेल समाचार। ओलंपिक संघ ने भारतीय खिलाड़ियों को एक विशेष प्रमाण पत्र दिया जिसमें लिखा था कि भारत ने सभी खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और दूसरे देशों को आगे बढ़ने का मौका दिया। 4 देशों की टेनिस प्रतियोगिता में भारत ने 4th स्थान प्राप्त किया। वैसे गत बार भारत ने इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि तब कुल 3 ही टीमों ने भाग लिया था। एशियाई खेलों में भारत ने कबड्डी में स्वर्ण पदक पाया, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने का भारतीय अनुभव खिलाड़ियों के बहुत काम आया। और अब 4 महानगरों का तापमान। और अब क्षमा कीजिएगा, और अब हर बार मौसम संबंधी वही समाचार। उपग्रह से प्राप्त एक चित्र के अनुसार अगले 24 घंटों के बारे में ऐसा अनुमान है कि देश के विभिन्न भागों में ठंडी या गर्म जैसी भी होंगी हवाएं चलेंगी, जहां नहीं चलेंगी वहां फिर कभी चलेंगी। ऐसा अनुमान है कि कल सूर्योदय के पश्चात पूरे देश में धूप निकल आएगी। शायद ये धूप सायंकाल के बाद नहीं रह पाएगी। और अब 4 महानगरों का तापमान। क्षमा कीजिए श्रीमान, तापमान के ताजे आंकड़े आज हमारे पास नहीं आए, इसलिए कृपया आप कल वाले तापमान से काम चलाएं।